गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस मेरा नाम है समीर खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल माइंड सपोर्ट। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी C25S के अंदर हम किस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर फेस लॉक सेटअप कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। सिंपल से स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं। तो गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए गाइस सबसे पहले हमको यहाँ पे जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। तो यहाँ पे हम सेटिंग्स के अंदर चलते हैं। सेटिंग्स के अंदर आने के बाद गाइस यहाँ पे हमको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फेस एंड पासवर्ड का, तो इस पर हमको क्लिक करना है। जैसे ही गाइस हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो ऐड फेस वाला आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको ऐड फेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही गाइस आप इस पर क्लिक करेंगे आपको बोलेगा यहाँ पे इंटर पासवर्ड, तो आपको यहाँ पे वही वाला पासवर्ड डालना है जो आपने अभी सेट किया रखा होगा अपने फ़ोन के अंदर। पासवर्ड हो सकता है मैं यहाँ पे सिंपल सा उसको फिल कर देता हूँ। जैसे गाइस मैं फिल करूंगा ये बोलेगा इनरोल योर फेस, तो यहाँ से मैं अपने फेस को उसके साथ इनरोल कर सकता हूँ। तो चलिए गाइस सिंपल सा कंटिन्यू करके मैं इसको अपने फेस के साथ इनरोल करता हूँ। इस पर क्लिक करने के ओके, तो गाइस इसने ये काफ़ी फास्ट डिटेक्ट कर लिया है और इसके अंदर मेरा फेस ऐड हो गया है। तो गाइस यहाँ पे कुछ फेस लॉक के रिलेटेड सेटिंग्स आ रही हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फेस इनरोल। ठीक है गाइस इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको और भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका यूज़ फेस फॉर स्क्रीन अनलॉक, तो इसको हम इस पर क्लिक करते हैं, इसी काम में आएगा हमारा। तो इसको हम ऐप लॉक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्राइवेट सेव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन हमको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद गाइस यहाँ से हम थोड़ा बैक चलते हैं और आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा अनलॉक ओनली व्हेन आईज आर ओपन, आपकी आईज ओपन होंगी तभी आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। ऑटो ब्राइटनेस स्क्रीन फॉर फेसियल रिकॉग्नाइजेशन, मतलब कि आपके फ़ोन अगर रात में आपका फ़ोन आप अनलॉक कर रहे हैं फेस के साथ और आपकी ब्राइटनेस कम है तो वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे लास्ट वाला स्क्रीन अनलॉक, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो स्वाइप अप टू अनलॉक बोल रहा है इसका। गाइस ये मतलब होता है कि आपको अपना फेस दिखाने के बाद भी एक बार स्क्रीन पर स्वाइप करना पड़ेगा। अगर ऑटो अनलॉक पर करेंगे तो आपका फ़ोन डायरेक्ट ओपन हो जाता है। तो चलिए गाइस एक बार हम चेक कर ले रहे हैं। तो मैंने आप फ़ोन को लॉक कर दिया।